Hello friends, welcome to your YouTube channel Study with Sonal and thank you so much for watching my videos. बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी appreciate करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. So thanks for motivating me. और यहाँ हम 12th maths का syllabus तो कर ही रहे हैं और भी बहुत कुछ इस channel पे आपको मिल जाएगा, short tricks, fun with study. So thanks और keep watching. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ आर मिसलेनियस एक्सरसाइज. एंड द क्वेश्चन इज, हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है व्हेन वाई हमको क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. अच्छा, पहली बात, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, अभी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं ज़्यादातर बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनमें से काफ़ी बारी एग्जाम में बोर्ड में पूछा गया है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं. ठीक है, तो क्योंकि एक दो अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी हैं तो उनको हम ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में. ठीक है, वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी. थोड़ा बोरिंग होता है, आई नो पढ़ाई बोरिंग लगती है सबको, लेकिन यही चीज़ आपको बेस्ट आगे जाके फ़ायदा करने वाली है, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट. ओके, सो डिफरेंशिएट कर देते हैं. बहुत ही आसान है, ये कहते हैं ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. फिर यहाँ पे अगेन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर. अब रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, रूट एक्स का क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, है ना, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स. दिस इज व्हाट, दिस इज चेन रूल एक्चुअली. तो चेन रूल आपका ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का. ठीक है, अभी जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो कर देते हैं, टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है और डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स अपॉन. अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, रूट से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा, बाहर करती हूँ इसको मैं, क्या वन माइनस रूट से ये टू कैंसिल आउट होके क्या देगा, वन, है ना, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन से वन गया, कितना मिला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो अभी डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज वॉट एक्स, तो मैंने यहाँ लिख लिया था, ये एक्स नहीं है और ये रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स ओनली, तो मैं सीधा ही कैंसिल आउट कर रही हूँ, ये बचा वन माइनस एक्स स्क्वायर और ओ वाओ द आंसर इज सो ईजी. एंड वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, ज़ीरो. तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, ज़ीरो. सो सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14, इसको मार्क करके रख लेना क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक लग रहा है. ट्रिक क्या है, एक्स अंडर रूट, अभी बताती हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. ये हमको दिया है, ठीक है, आप लोगों को प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर. एक्चुअली क्वेश्चन आप डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो आंसर लाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये नहीं कह रही आंसर नहीं आएगा पर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे है उसको राइट साइड लेके जाएंगे, लाइक दिस. सी, मैं इसको यहाँ लेके गई हूँ, समझा. और आप लोगों को पता है रूट में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, तो वी विल स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो आवाज़ शायद बदली बदली होगी. स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे माइनस वाई का वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स. ठीक है, इतनी बात, अभी डिफरेंशिएशन पे नहीं आए हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई. ठीक है, इतनी बात. अब सब कुछ इधर ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ले लिया मैंने, और सब कुछ नहीं,
जो x और y है वो इधर लिया, जिसमें मिक्स्ड है मतलब x y दोनों हैं, उसको राइट साइड रखा, ठीक है इतनी बात। अब हम यहाँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है एक्स वाई, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस एक्स, कैन यू सी क्या हो रहा है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओके नाउ दिस इज एक्स माइनस वाई एंड दिस इज वाई माइनस एक्स, कुछ दिख रहा है आपको, शायद बहुत लोगों को समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे ना मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, साइन थोड़ा सा बदल जाएगा, इंटरचेंज x माइनस वाई, और यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है इतना। अब तुमको पता है ना माइनस साइन लेने से साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं, ये बात याद रखना बहुत काम की है। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कैंसल आउट हो गया, वेरी गुड। x प्लस वाई कितना आया, माइनस एक्स वाई, इज इट फाइन। तो अभी y और y एक तरफ कर लेते हैं, मैं सब कुछ इधर ले रही हूँ, पहले तो इधर ज़ीरो आएगा, ठीक है इतनी बात, गुड। अभी इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स, इन दोनों से मैंने y कॉमन लिया, अंदर क्या बचा वन प्लस एक्स, ठीक है इतना। अभी इस x को इधर लूँ, मैं करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि y का एक एक्सप्रेशन आ जाए, सो दैट वी कैन डायरेक्टली डू द डिफरेंशिएशन, तब बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट। तो मैं y को एक तरफ करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद ये कोशिश कामयाब हो गई है मेरी, y इंटू वन प्लस एक्स, प्लस एक्स उधर जाके माइनस एक्स। अब y कितना आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स इंटू था, तो यहाँ आके क्या हो गया वो डिवाइड। अब हम कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरा dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि इसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए नहीं बचता है, राइट। अभी मैं क्या लगाने वाली हूँ, दिस इज़ u अपॉन v, मतलब क्या लगेगा, कोई रूल मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चन रूल, अगर जिसको नहीं पता है जाइए और पहले देखिए उसको, पता है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पता है तो पता चल जाएगा, राइट। वैसे आप लोग बहुत मेहनत करते हैं ट्वेल्थ में, सभी लोग मुझे पता है, राइट। तो नीचे वाले का स्क्वायर कर लिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस वन, नीचे वाला एज इट इज़, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वन का ज़ीरो एक्स का वन, कितना आ जाएगा माइनस वन माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है इतनी बात। माइनस एक्स और ये गया, कितना आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, एंड यस यही हमको प्रूव करना था, दिस इज द हॉट क्वेश्चन। ये क्या है, हॉट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, मतलब उतना नहीं कहूँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है टीचर्स का, सो प्लीज़ प्रैक्टिस इट, एक बार देखने के बाद खुद से इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, एटलीस्ट पाँच नहीं कहूँगी, एटलीस्ट हम लोगों को दो घंटा, जब तक हमारा मैथ्स पूरा एक बार एनसीईआरटी सॉल्व नहीं हो जाता, आपको दो घंटा रोज़ पढ़ना ही है उसको, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करना है, थोड़ा सा बाहर भी, आजकल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत फेवरेट हो गई है टीचर्स की, बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा आने वाला है उससे, तो 90% में से एनसीईआरटी आता है, 10% एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो टाइम निकालना है और कॉन्फिडेंस रखना है, मेहनत करते हुए चलना, और बहुत आसानी से काम बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।